नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की चुनावी सरगर्मी को फिर से गर्मा दिया गया है। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया है। बीते कुछ दिनों पहले नारायण त्रिपाठी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं विंध्य जनता से चर्चा करूंगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। इसके बाद बीजेपी से नाराज विधायक नारायण त्रिपाठी की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। बता दें कि लंबे समय से विंध्य के मुद्दों को लेकर नारायण त्रिपाठी की बगावत बीजेपी से सामने आ रही थी, जिसके बाद आज भोपाल में अपने सरकारी निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए नारायण त्रिपाठी ने अपने पार्टी की सार्वजनिक घोषणा की है। उन्होंने विंध्य जनता पार्टी के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया है, जिसका चुनाव चिन्ह गन्ना और किसान है। वहीं पार्टी की घोषणा होने के बाद ही मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी के 25 उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। विंध्य पार्टी विधानसभा 2023 के चुनाव में 44 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा नारायण त्रिपाठी की अब पार्टी विंध्य क्षेत्र में कितना प्रभावशाली नजर आती है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आपका पूरा एजेंडा है। बड़ी मुश्किल से समय आया कि हम अपने प्रत्याशी उतार सके। ये 4 दिन पहले ही एक तरह से दुर्घटना जैसे हुआ। हम अचानक सभी लोगों को मैसेज किए, सामान्य ढंग से लोग इस में वो प्रत्याशी बने हैं जो विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए अपनी शहादत देना चाहते हैं। इसमें वो लोग आ रहे हैं जो एक क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल हुए थे, उसी तरह के विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल होने के लिए आए हैं। उनको हम शामिल किए, 25 सीट आज घोषित किया। हम 44 सीट लड़ाने का हमारा प्लान है और फिर मध्य प्रदेश में जो भी हमारे इस विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल होना चाहेगा, जो हमसे मिलेगा बात करेगा उसको। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी मैयर विधानसभा चुनाव। किसी पार्टी को अगर आप चुनाव में आपके विधायक जीतते हैं तो किसी पार्टी को क्या आप सपोर्ट करेंगे? जीतने के बाद ही तय होगा। हम तो विंध्य के पुनर्निर्माण पर ही सहयोग करेंगे। हमारी सभी दलों से बात हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी को हम 2020 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो हम बता दिए कि 23 तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। मैं 6 दिन पहले भी बोल दिया था, जिस दिन टिकट घोषित हुई मैयर की भाजपा की, तब भी शिवराज जी को बोल दिया था कि आप टिकट घोषित कर दीजिए। उनके द्वारा बोला गया कि मिल लो, मैं कहा टिकट घोषित करने के बाद मिलूंगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस से भी जो हमारी बातें हुई, कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बातें नहीं हुई। विंध्य हमारा मुद्दा था, बिंद मुद्दा उनको स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस पार्टी में नहीं, हमारा दल ही नहीं बन पाया था। तो हमें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंच चाहिए था। तो हमारा पहला मुद्दा है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, उसमें जो सहयोगी बनेगा उसके साथ जाएंगे। तो जब चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, उसके परिणाम के बाद जो हमारे हित में दिखेगा, हमारा बिंद जनता पार्टी का गठन हो चुका, हमारे लिए मंच मिल चुका। अब हमें व्यापारी, जो राजनीति के व्यापारी है, राजनीति के जो ठेकेदार लोग हैं, उनकी जरूरत नहीं है। उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। जो बिंद से दूर भागेगा, बिंद से किनारा काटेगा, जो बिंद की बात नहीं करेगा, हो सकता है इस बार हम कितना सफल होंगे, पर आगे दावे के साथ बोलते हैं कि बिंद में बिंद के अलावा राजनीति करने वाले कोई नहीं। चुनाव के बाद आपका एजेंडा भी चलेगा, लगातार जारी रहेगा जब तक बिंद का पुनर्निर्माण। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।